गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए मैं आपको होम साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक को पढ़ाता हूँ। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो हमारा एक टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास। बाल विकास में हम लोगों ने पढ़ रखा है जो है लाइक दैट हम लोग का गर्भाधान हो गया है और गर्भावस्था हो गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं गर्भावस्था के बाद हम लोग कहेंगे कि गर्भावस्था के जो हमारे लास्ट चरण होते हैं उस लास्ट चरण के हम लोग कहेंगे कि गर्भावस्था का जो लास्ट चरण होता है उसे हम लोग जो है बोलते हैं जो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब गर्भस्थ शिशु की अवस्था का समय काल जो हम लोग को मालूम है वो समय काल हम लोग को कहेंगे कि 2 माह से लेकर के जो है प्रसव तक का होता है, जो है मीन्स जन्म तक का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रसव की हमारी जो है क्या अवस्थाएं होती हैं और प्रसव हमारा कितने प्रकार का होता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रसव की अवस्था और प्रसव के प्रकार, ये 2 चीज़ें होती हैं जो है हम कहेंगे कि प्रसव होने या डिलीवरी होने से पहले की जो हम कहेंगे कि जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रसव को हम कहेंगे जो है कि क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, जो है प्रसव को प्रारंभ करने वाली जो हमारी क्रियाएं होती हैं जो है उसे हम लोग बोलते हैं प्रसव की अवस्था। और प्रसव की अवस्था के बाद हमारा जो है क्या होता है, प्रसव होता है। तो यहाँ बाल विकास सिस्टम में हम लोग देखते हैं पहले प्रसव की अवस्था। प्रसव की अवस्था, हम लोग कहेंगे प्रसव की अवस्था में देखते हैं प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रसव की कुल मिलाकर के 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है जो है। देखिए पहले को हम लोग क्या बोलते हैं जो है, लाइक दैट जो पहला हमारा होता है डायलेशन। डायलेशन डायलेशन दूसरा बोलते हैं एक्सपल्सन। और तीसरा होता है हमारा जो है टोटल एक्सपल्सन। तो यहाँ पर देखिए डायलेशन जो है हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो डायलेशन प्रक्रिया होती है जो है इसे हम लोग कहते हैं जो है कि एक हमारा दर्द का जो है प्रक्रिया होती है। लाइक दैट हम कहेंगे जो है कि प्रसव से 10 से 12 घंटे पहले, 10 से 12 घंटे जो है मदर को क्या होती है, एक पेन का जो है आभास होता है जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायलेशन। तो लाइक दैट जिसका जो समय काल होता है जो है हम कहेंगे इसका समय काल होता है 10 से 12 घंटे जो है। मीन्स ये डायलेशन है क्या, पहले इसे ही हम लोग जान ले जो है। प्रसव की शुरुआत, प्रसव की शुरुआत 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे पहले प्रारंभ होती है। यह एक दर्द के साथ प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि डायलेशन क्या होता है। हम कहेंगे प्रसव की शुरुआत 10 से 12 घंटे पहले आरंभ होती है, यह एक दर्द के साथ प्रारंभ होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायलेशन। यहाँ पर देखते हैं एक्सपल्सन जो है, एक्सपल्सन हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं निष्कासन, बल्कि बोलते हैं निष्कासन, निष्कासन।
इसका जो समय काल होता है जो है समय काल हम कहेंगे 1 से 2 घंटा होता है, 1 से 2 घंटा। हम कहेंगे निष्कासन मीन्स शिशु का कोई न कोई अंग बाहर दिखाई देने लगता है, मीन्स हम कहते हैं जो है शिशु का कोई अंग बाहर दिखाई देने लगता है। बाहर दिखाई देने लगता है जो अब हम कहेंगे जो है कि अभी कोई अंग बाहर दिखाई दे रहा है, जब ये पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है शिशु जो है तो हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपल्शन जो है। इसका समय काल होता है समय काल 1 से 2 मिनट, इसका समय काल 1 से 2 मिनट होता है। लाइक दैट हम कहेंगे पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से गर्भ से बाहर हो जाता है। इस तरीके से देखिए हम लोग के सामने मिला जो है प्रसव की अवस्था, मीन्स प्रसव की 3 अवस्था रही। पहला हम लोग कहेंगे डायलेशन, दूसरा कहेंगे एक्सपल्शन, तीसरा बोलेंगे टोटल एक्सपल्शन जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्रसव के प्रकार। देखिए यहाँ पर हम लोग का लिखा गया है प्रसव के प्रकार, इसे हम लोग जानते हैं, काफी लोग जानते हैं। हम कहेंगे प्रसव हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? हम कहें प्रसव 4 प्रकार का होता है। देखिए पहले को हम लोग बोलेंगे जो है सामान्य प्रसव, या हम इसे बोलेंगे प्राकृतिक प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, या इसे हम लोग बोलेंगे सामान्य बोला जाता है नॉर्मल प्रसव, नॉर्मल प्रसव। इसके बाद दूसरे को हम लोग बोलते हैं जो है उल्टा प्रसव, या इसे हम लोग बोलेंगे ब्रीच, ब्रीच प्रसव, उल्टा प्रसव या ब्रीच प्रसव। अरे तीसरा हम लोग देखते हैं जो है औजार प्रसव, औजार प्रसव, या इसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, या इसे हम लोग बोलते हैं फोरसेप प्रसव। चौथे को हम लोग बोलते हैं चीर फाड़ प्रसव या ऑपरेशन प्रसव, ऑपरेशन प्रसव, या इसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रसव।
देखिए इस तरीके से हम लोग का मिला है कि प्रसव हमारा कितने प्रकार का होता है। प्रसव चार प्रकार का होता है। एक हम लोग कहेंगे सामान्य प्रसव, दूसरा बोलेंगे उल्टा प्रसव, तीसरा औजार प्रसव, और चौथा हमारा चीरफाड़ या ऑपरेशन प्रसव। नंबर 1, 2, 3 और 4। अब आइए एक एक करके हम लोग जो है क्या करते हैं, सभी प्रसव के बारे में देखते हैं कि सबकी विशेषता क्या है। हमें हर प्रसव की विशेषता चाहिए। आपका ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे आपका जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है जो है, वो आपका जो है चाहे सामान्य प्रसव से हो, चाहे उल्टा प्रसव से, चाहे औजार प्रसव से, चाहे हम कहेंगे चीरफाड़ प्रसव, या इसे हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो शिशु होता है, जो चीरफाड़ जो ऑपरेशन द्वारा जो शिशु पैदा किए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिजेरियन चाइल्ड। तो सिजेरियन चाइल्ड उसको हम लोग बोलते हैं, तो इसे हम लोग एक नाम और दे सकते हैं जो है, जिसे हम लोग कह सकते हैं सिजेरियन प्रसव, सिजेरियन, सिजेरियन, सिजेरियन प्रसव। आइए हम लोग देखते हैं सामान्य प्रसव। की विशेषता यहाँ देखिए, सामान्य प्रसव की विशेषता क्या है जो है, हम कहेंगे शिशु हमारा नॉर्मल पैदा होगा। नॉर्मल के सिस्टम में हम कहेंगे कि प्रसव के दौरान जो प्रसव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम कहेंगे शिशु का पहले सिर जो है बाहर आता है। फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं जो है विशेषता इसकी, शिशु का सिर सर्वप्रथम बाहर आता है, सर्वप्रथम बाहर आता है। अब देखिए हम कहेंगे शिशु का सर्वप्रथम जो है क्या बाहर आता है जो है, सिर बाहर आता है जो है, और सिर ही नहीं जो है, हम कहेंगे एक दूसरा स्टेप इसमें है जो है कि शिशु का सिर के साथ साथ हम लोग कहेंगे नितंब, नितंब भी सर्वप्रथम बाहर आता है। मीन्स हम कहेंगे सिर और नितंब में से दोनों में से कोई सिर, या हम कहेंगे नितंब, या तो हमारा सिर पहले बाहर आएगा या हम कहेंगे नितंब बाहर आएगा। ये नितंब की प्रक्रिया के तहत आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2016 टीईटी के तहत कि शिशु का नितंब सर्वप्रथम बाहर आता है तो कौन सा प्रसव बोला जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, हम लोग बोलेंगे सामान्य प्रसव जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं दूसरा जो है ब्रीज प्रसव की विशेषता, ब्रीज प्रसव की विशेषता। हम कहेंगे शिशु का सर्वप्रथम पैर बाहर आता है, सर्वप्रथम शिशु का, शिशु का सर्वप्रथम पैर बाहर आता है, पैर बाहर आता है। इस तरीके से देखिए हम लोग का मालूम हुआ जो है कि जो हमारा बीज प्रसव की विशेषता है, वो विशेषता में हमें दिख रहा है कि शिशु का सर्वप्रथम बाहर क्या आता है जो है, सर्वप्रथम पैर बाहर आता है जो है। अगला हम लोग देखते हैं जो है औजार प्रसव। हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव की विशेषता। देखिए हम कहेंगे प्रसव, प्रसव
चूषण पंप, चूषण पंप की सहायता से कराया जाता है। अब देखिए चूषण पंप की सहायता से मीन्स हम कहेंगे औजार, ये हमारा क्या है जो है चूषण पंप, चूषण पंप के सहायता से हम लोग क्या करते हैं जो प्रेशर डाल करके जो है शिशु का जो भी अंग दिखाई देता है उसी अंग को हम लोग क्या करते हैं जो है पकड़ लेते हैं और उसको खींच करके बाहर निकाला जाता है जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है ऑपरेशन प्रसव, अब देखिए ऑपरेशन प्रसव हमारा जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रसव होता है जो मीन्स हम कहेंगे कि जो प्रसव हमारा जो है सामान्य ढंग से नहीं हो पाता जो है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जो है ऑपरेशन का सहारा लेते हैं मीन्स हम कहेंगे चीरफाड़ मीन्स उदर में हम क्या करते हैं जो है चीरा लगाते हैं जो है उदर में चीर फाड़ करके प्रसव कराया जाता है। अब इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि हमारे प्रसव के जो है कितने प्रकार थे जो है, तो हम लोग को इस तरह से हमने देखा कि प्रसव के चार प्रकार रहे जो है। सबसे हमारा जो है कठिन प्रसव कौन सा रहा जो है कॉम्प्लिकेटेड जिसे बोलते हैं हम लोग जो है, यह रहा हमारा ऑपरेशन प्रसव, जबकि सबसे आसान प्रसव हमारा रहा जो है नॉर्मल प्रसव या नेचुरल प्रसव हम बोलेंगे या प्राकृतिक प्रसव बोलेंगे जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है बाल्यावस्था के तहत, ये हमारा जो है बाल विकास के तहत हम लोग ने एक स्टेज अपना देखा जो है प्रीनेटल स्टेज लाइक दैट। अब हम लोग देखेंगे जो है शैशवावस्था देखेंगे जो है, इन्फेंसी। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं शैशवावस्था का जो समय काल है जो है उसे हम लोग फर्स्ट देखते हैं समय काल। जन्म से दो सप्ताह आप लिख हम कहेंगे 14 दिन की अवस्था। अब देखिए शैशवावस्था को भी जो उप अवस्थाओं में बांटा गया है, शैशवावस्था की उप अवस्थाएं मीन्स कहें शैशवावस्था को दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है जो है, हम कहें शैशवावस्था की उप अवस्था शैशवावस्था की उप अवस्था दो होती है जिसे हम लोग कहते हैं, शैशवावस्था की उप अवस्था दो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, पहला पार्टुनेट पार्टुनेट अवस्था जिसका हम लोग कहेंगे इसका समय काल होता है समय काल जन्म से 30 मिनट की अवस्था, जन्म से 30 मिनट की अवस्था। देखिए जन्म से 30 मिनट की अवस्था हमारा बोली जाती है पार्टुनेट अवस्था, जबकि दूसरा हम लोग कहेंगे न्यूनेट अवस्था, न्यूनेट अवस्था।
इसके हम लोग देखते हैं समय काल, समय काल ये हमारा होता है 30 मिनट से 30 दिन की अवस्था। इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया कि शैशवावस्था के भी दो उपअवस्थाएं होती हैं, जिसे हम लोग पार्टोनेट अवस्था कहते हैं और न्यूनेट अवस्था कहते हैं। अब यहाँ शैशवावस्था में जो है, जो हमारा जो है बच्चा है, उस बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है हम लोग उसको शिशु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शिशु। शिशु अब्लिक नवजात, या हम लोग बोलेंगे इसे न्यू बर्न बेबी, न्यू बर्न बेबी, न्यू बर्न बेबी। अब देखिए न्यू बर्न बेबी, हम कहेंगे न्यू बर्न बेबी का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो न्यू बर्न बेबी भी हम कहेंगे दो प्रकार का होता है। शिशु कितने प्रकार के होते हैं? हम कहेंगे ये शिशु हमारा दो प्रकार का होता है। शिशु कितने प्रकार के होते हैं? हम कहेंगे शिशु या न्यू बर्न बेबी भी हमारा दो प्रकार का होता है। जो है लाइक दैट जो है इसे हम लोग देखते हैं, शिशु पहले हम बोलेंगे इसे, एक हमारा होगा सामान्य शिशु होगा और दूसरे को बोलेंगे हम लोग असामान्य शिशु होगा, असामान्य शिशु। अब देखिए जो है इसे नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल इन्फेंसी, नॉर्मल इन्फेंसी ऐसे बोलते हैं, एब नॉर्मल इन्फेंसी। एब नॉर्मल इन्फेंसी यही नहीं, इसे हम जो है बोलेंगे परिपक्व शिशु, या इसे हम बोलेंगे परिपक्व शिशु, परिपक्व शिशु ऐसे बोलेंगे अपरिपक्व शिशु, अपरिपक्व, अपरिपक्व शिशु। यहाँ पर देखिए ये हमारा मैच्योर शिशु मिला और दूसरा शिशु हमारा अनमैच्योर मिला। जो है तो लाइक दैट हम क्या करते हैं, जो है इन दोनों शिशुओं के जो है हम विशेषता देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल शिशु की जो हमारी लंबाई होती है जो है वो लगभग जो है कितनी होती है, 18 से 20 इंच या हम कहेंगे 50 सेंटीमीटर होती है जो है। जबकि हम कहेंगे कि जो हमारा असामान्य शिशु होगा, असामान्य शिशु की लंबाई हम कहेंगे जो है कितनी होगी, हम कहेंगे 50 से कम होगी, लाइक दैट हम कहेंगे जो है 17 होगी, 16 होगी, मीन्स हमारा 40 से 45 सेंटीमीटर की होगी। जो है यही नहीं, हम भार में भी काउंटिंग करें जो है तो भार में भी देखते हैं जो है कि जो हमारा नॉर्मल शिशु होता है उसका वेट जो है 2 kg 7500 ग्राम से लेकर के 3 kg का होता है, कभी कभी 3.25 kg भी बता दिया जाता है नॉर्मल में, जबकि औसतन लिया जाता है तो 3 kg का होता है। जबकि हम कहेंगे जो हमारा असामान्य शिशु होता है वो 1.5 kg से लेकर के 2.5 kg तक का होता है। जो है तो इस तरीके से हम लोग देखें जो है तो इसमें दोनों में काफी जो है हमारी क्या होती है, जो है विभिन्नताएं होती हैं। आइए एक एक करके हम लोग जो है सामान्य और असामान्य शिशु की विशेषता को हम लोग देखते हैं। जो है
देखिए सामान्य शिशु की विशेषता के तहत जो है एट फर्स्ट पहली विशेषता ही हम लोग लेते हैं लंबाई। लंबाई अट्ठारह से बीस इंच हम बोलेंगे लगभग पचास सेंटीमीटर। देखिए कई बार आया हुआ है कि सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो हमें इंच में भी मालूम है और हमें जो है सेंटीमीटर में, तो दोनों में से किसी में से वो पूछ सकता है, या तो इंच में पूछेगा या हम कहेंगे सेंटीमीटर में पूछेगा जो है। दूसरा हम लोग देखते हैं भार। भार देखिए भार की क्राइटेरिया भी हम लोग देखते हैं। भार के तहत हम लोग कहेंगे भार या तो हमारा केजी में होगा या भार हमारा पाउंड में होगा। तो लगभग हम लोग देखते हैं जो है कि लगभग तीन केजी होता है जो है। हम लोग यहाँ पर लेंगे लगभग तीन केजी, लगभग तीन केजी, या इसे हम लोग पाउंड में कहें जो है तो 7.5 पाउंड, ये इसका भार होता है जो। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है हड्डियां देखते हैं जो हड्डियां। हड्डियां हम कहेंगे शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं, तो यही होता है जो है कि 270 होती है। नहीं हड्डियां नहीं होती, हम कहेंगे शिशु में हड्डियां पाई ही नहीं जाती, हम कहेंगे हड्डियां अब्सेंट होती हैं। अब्सेंट मीन्स अनुपस्थित होती हैं, हड्डियां नहीं पाई जाती जो है। आइए देखते हैं हम लोग उपास्थियां। उपास्थियां हम कहेंगे ये उपास्थियां होती हैं शिशु में 270 जो है। अस्थियां ना होकर क्या होती हैं 270, उपास्थियां होती हैं जो है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मांसपेशियां। मांसपेशियां मांसपेशियां अब देखिए मांसपेशियां कितनी होती हैं, हम कहेंगे मांसपेशियां 600 से लेकर के 639 होती हैं। कितनी मांसपेशियां 600 से लेकर के 639 होती हैं जो। आइए देखते हैं हृदय गति। हृदय गति हम कहेंगे 130 से लेकर के 150 बार मीन्स टाइम प्रति मिनट, ये हमारी हृदय गति होती है शिशु की जो है। लाइदर देखते हैं श्वसन गति जो है। श्वसन गति श्वसन गति श्वसन गति हम कहेंगे 45 से 50 बार प्रति मिनट। मिनट देखिए इस तरह से हम लोग को हृदय गति भी मालूम हो गया और श्वसन गति भी मालूम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है नाड़ी गति। नाड़ी गति देखिए नाड़ी गति हमारी क्या होती है जो है हृदय गति होती है, इतना याद है। नाड़ी गति हमारी हृदय गति होती है। हृदय गति मीन्स हम कहेंगे नाड़ी गति मीन्स हृदय गति 130 से लेकर के 150। देखिए ये मिला हमें नाड़ी गति, या हम कहेंगे हृदय गति 130 से लेकर के 150 बार प्रति मिनट जो है। आइए नेक्स्ट विशेषता हम लोग देखते हैं आठवां। आइए नवा विशेषता हम लोग देखते हैं जो है लाइक दैट। हम लोग कहेंगे यहाँ पर अगली इसकी विशेषता क्या होगी जो है, जैसे हम लोग कहेंगे गर्दन नेक। गर्दन गर्दन को हम लोग कहेंगे गर्दन बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी होती है, ये नहीं कि गर्दन अब्सेंट होती है, नहीं गर्दन पाई जाती है लेकिन गर्दन हमारी क्या होती है जो शिशु की बहुत ही छोटी होती है जो है। आइए दृष्टि देखते हैं इसका। दृष्टि
लेकिन दृष्टि में हम लोग कहेंगे जो है बालक को जन्म के 2 घंटे बाद दिखाई देता है, जबकि जन्म के समय शिशु क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है। जन्म के समय कलर ब्लाइंड होता है, जन्म से 2 घंटे बाद दिखाई देता है। देखिए जन्म से 2 घंटे बाद मीन्स हम कहें कि जन्म लेने के 2 घंटे बाद उसको क्या करेगा, दिखाई देगा जो है। आइए हम लोग देखते हैं श्रवण, 11वां पॉइंट इसका, श्रवण मीन्स सुनाई देना। हम कहेंगे शिशु जन्म से 10 मिनट बाद सुनना प्रारंभ कर देता है, सुनाई देने लगता है। आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो है इसका जो है 12वां पॉइंट। हम लोग कहेंगे दृष्टि हो गया, श्रवण हो गया, अब हम लोग को देखना है इसकी जो है हम देखेंगे रुचियां देखेंगे जो है मीन्स हम कहेंगे स्वाद के प्रति रुचियां, स्वाद हम कहेंगे मीठे के प्रति धनात्मक प्रवृत्ति होती है, मीठे के प्रति धनात्मक प्रवृत्ति मीठे के प्रति धनात्मक इसकी प्रवृत्ति होती है जो आइए अगला देखते हैं जन्म क्रम। हम कहेंगे जो प्रथम शिशु होगा बाद के दूसरे और तीसरे शिशुओं की अपेक्षा छोटा भी होता है और हल्का भी होता है। हम कहें प्रथम शिशु दूसरे एवं तीसरे शिशु की अपेक्षा हल्का एवं छोटा होता है, हल्का एवं छोटा होता है। इस तरीके से हमारे पास जो है हम कहेंगे कुल मिलाकर के जो है 13 विशेषताएं हैं जो है जो हम कहेंगे सामान्य शिशु में पाई जाती हैं जो है। लाइक दैट आइए अब हम लोग देखते हैं असामान्य शिशु की विशेषता। असामान्य शिशु की विशेषता देखिए, असामान्य शिशु के तहत हम लोग कहेंगे लंबाई सामान्य से छोटा मीन्स हम कहेंगे 16 से 17 इंच। हम कहेंगे भार सामान्य से कम मीन्स हम कहेंगे 1.5 से लेकर 2.5 केजी
देखिए 1.5 केजी से लेकर के 2.5 केजी का जो शिशु होता है उसे हम लोग असामान्य शिशु कहते हैं। जो त्वचा का रंग, देखिए त्वचा का रंग इसका गुलाबी होता है, हम कहेंगे गुलाबी। पंद्रह दिन बाद स्थाई रंग प्राप्त करता है, स्थाई रंग प्राप्त करता है। हृदय गति हृदय गति 170 से 200 बार प्रति मिनट होती है। हृदय गति, श्वसन गति 60 से 75 बार प्रति मिनट होती है। अस्थियां अनुपस्थित, देखिए यहाँ हम कहेंगे हृदय गति इसकी जो है हमारी 170 से 200 बार प्रति मिनट होती है, जबकि हम कहेंगे श्वसन गति 60 से 75 बार प्रति मिनट होती है। यही नहीं, हम कहेंगे अस्थियां इसमें भी हमारी क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, जबकि हम कहेंगे उपास्थियां ये लगभग बराबर होती हैं 270। और यही नहीं, हम कहेंगे लास्ट पोजीशन आपका दिखाते हैं मांसपेशियां ये मांसपेशियां भी इनकी कम होती हैं, हम कहेंगे 550 से लेकर के 580 तक होती हैं, 580 तक। आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो है कि आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। लाइक दैट आज हम लोगों ने जो है एक अवस्था को पढ़ा है जिसे हम लोग कहते हैं शैशवावस्था, मीन्स शिशु की अवस्था। तो इस तरीके से अगली क्लास के तहत हम लोग देखेंगे जो है लाइक दैट बेबीहुड। थैंक you.